हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए मैंने एक आज बहुत ही कमाल के ट्रिक लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो ये दोस्तों आज की ट्रिक है, क्या देखिए आप लोग, ये फोटोशॉप 7.0 में जो फ़ोटो बनाते हैं वो आप लोग 10 सेकंड के अंदर में फ़ोटो बना सकते हैं। 10 से आप लोगों को 20 सेकंड लग जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। एकदम काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप लोग इस टाइप से कैसे फ़ोटो बना सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 से 20 सेकंड के अंदर में। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है। तो सबसे पहले ये जो फ़ोटोशॉप ओपन है तो हम अपनी फाइल को क्लोज कर लेते हैं। चलिए मेरा फाइल क्लोज हो चुके हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद में आप लोग जिस फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं उस फ़ोटो को सबसे पहले अपनी फ़ोटोशॉप के अंदर में ओपन करेंगे। तो चलिए हम अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये मेरा फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम ड्रैग करके ओपन कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के फाइल में। चलिए जैसे ये मेरा फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो चुके हैं, इस पर ग्रिड लाइन्स आ चुके हैं, इसको हटा रहे हैं हम फिलहाल। चलिए जैसे मेरा फ़ोटो है तो आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे ही फ़ोटो ओपन करते हैं तो आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। इसके लिए करते हैं क्या, फ़ोटो का साइज़ बड़ा छोटा रहता है तो हम करते हैं क्या, इसकी क्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्रॉप के लिए 1.1 और 1.4 और रेजुलेशन 300 और ये इतना डालकर इस फ़ोटो को हम क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। देखिए मेरे फ़ोटो के साइज़ बन चुके हैं। आप लोगों को बस इस टाइप से हम बता दे रहे हैं, एकदम फास्ट में आप लोगों को करिएगा तो बहुत कम टाइम लगेंगे, बट आप लोगों को हम बता रहे हैं एक्सप्लेन करके, इसलिए थोड़ी सी टाइम लग सकते हैं। तो सिर्फ इस फ़ोटो को हम क्रॉप कर लेंगे, और इस फ़ोटो के ऊपर हमको करना क्या, थोड़ा सा एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बहुत हम करते हैं तो क्लीन वगैरह करना रहे तो एक पिक्चर्स पे बट टाइम लगेंगे, बट इसके सिवा आप लोग 1 से 10 पिक्चर्स बनाते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बॉर्डर डाल देते हैं हम। तो यहाँ से एडिट में जाते हैं और स्टॉक में जाते हैं, और स्टॉक में जाने पर ब्लैक कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का बॉर्डर देते हैं और 2 पिक्सल्स में दे रहे हैं, और ओके बटन प्रेस करेंगे। देखिए इसका बॉर्डर लग चुके हैं। अब करना है कि हम एक न्यू पेज लेंगे सबसे पहले। अब आप चाहे तो आप न्यू पेज यहाँ से लेकर भी कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं लेंगे फिर भी हो जाएगा। तो आप लोगों को करना है क्या, जैसे ही फ़ोटो मेरा ऐसा लगा दिए बॉर्डर वगैरह, अब करना है क्या, इस फ़ोटो के ऊपर आप लोगों को अल्ट बटन के साथ में FUP बटन प्रेस करना है। अल्ट बटन दबा के F बटन प्रेस करना है, इसके बाद में U बटन, इसके बाद में P बटन। जैसे ही इतना कुछ हम प्रेस करते हैं तो देखिए मेरे सामने एक फॉर्मेट खुल के आ जाता है। आप लोग इस पिक्चर को कितना पीस बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, ये सब आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से दे रहा है आपको पेज का साइज़, कि आप लोग पेज का साइज़ किस पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं, 8x10 या तो जो भी पेज पे साइज़ पे प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ से 2-3 पेज दिए हुए हैं, इस पेज को आप ले सकते हैं इस साइज में, नहीं तो बहुत सारे साइज इसमें रहते हैं, हम 8x10 ले लेते हैं। और इस पिक्चर्स को आपको कितना बाई कितना प्रिंट करना है, 2x2 में करना है, या तो बहुत सारे साइज यहाँ पर है 2x2.5, यानी कि जो साइज में आप लोगों को करना है उस साइज में आप लोग ले सकते हैं। यहाँ से देखिए जिस साइज में आप लोगों को करना है वो साइज यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए हो रहा है ऑटोमेटिक, आप लोगों को जिस साइज में पसंद है उस साइज में यहाँ से एक ही बार आप लोग करके और यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे। देखिए मेरा फ़ोटो ऑटोमेटिक बनना चालू हो चुके हैं, देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है मेरा फोटो। मेरे पेज व्यूज लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पेज हम वहीं पर सिलेक्ट कर दिए हैं 8x10 का। तो देखिए मेरा पिक्चर्स ऑटोमेटिक ड्रैग हो रहे हैं सारे पिक्चर्स, कुछ नहीं करना हमको, ऑटोमेटिक ड्रैग होते रहेंगे पिक्चर्स मेरा, और ऑटोमेटिक बन के आप लोग डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आप लोगों को फ़ोटो बनाना बहुत ही आसान है, इसमें मेरी सिस्टम थोड़ी सी स्लो है इसके कारण ये फ़ोटो थोड़ी सी बनने में टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना देर में आपको सिस्टम अगर फास्ट है तो बस 1 मिनट के अंदर में फ़ोटो फटाफट आप लोगों को सेटिंग्स हो जाएंगे, बट देख रहे हैं आप लोग मेरा सिस्टम कितना स्लो काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ये थोड़ी सी टाइम ले रहे हैं, बट ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है हमको। देखिए मेरा फ़ोटो बन के तैयार हो चुके हैं, टोटल फ़ोटो बन चुके हैं, 16 पीस का फ़ोटो बना है। देखिए मेरा फ़ोटो बन चुके हैं। आप लोग अगर इस फ़ोटो को प्रिंट करना हो तो यहाँ से फाइल में जाएंगे,
और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरा फाइल प्रिंट हो जाएगा। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पर प्रिंटर का अपना नाम चूज कर लीजिएगा, जो भी प्रिंटर है फिलहाल हम HP लेजर इसे चूज कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग प्रिंटर को चूज कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, प्रॉपर्टीज़ में आके पेज क्वालिटी आप लोग जो लिए थे वही पेज क्वालिटी यहाँ पर एडवांस में जाना है, और यहाँ से पेज क्वालिटी आप लोगों को फिर से ले लेना है जो भी पेज क्वालिटी रहेगा वो, और इसके बाद में आप लोगों को ओके कर देना है, और इसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है, फिर इसके बाद में यहाँ से ओके कर देंगे तो मेरा फाइल प्रिंटिंग हो जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, कितने जल्दी में आप लोग बना सकते हैं ये एकदम बिल्कुल आसानी से, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। एकदम आप लोग 20 सेकंड के अंदर में ऐसा फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।